या डोनट्स का भी गला ही ना सी। अच्छा मैडम, हम जब ब्रेक पे थे तो आप हमें बता रही थी खाने पीने के और डी शेप। पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं डी शेप होता क्या है, मतलब लाइक मैं आप ओ शेप हो। इसने मुझे डी शेप दिया, अभी ओ दे रहा है, मतलब एक इसका वो नहीं है। तो फिर तो इसका बहुत बड़ा कमाल है कि कहीं से डी शेप लगी नहीं रही है। नहीं लगी रही, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कैमरा का कमाल है। ये कैमरा में थोड़ी देख रही हूं, ये पर्सनालिटी का कमाल है। अच्छा खैर, ये बहुत अच्छी बात आपने करी कि लोग कहते हैं मोटे हो गए, मोटे हो गए। मोटा मोटा कोई नहीं होता, डी शेप हो जाता है। क्योंकि मोटा इसलिए नहीं होता कि जो आदमी हेल्थ कॉन्शियस है वो खाने के में ख्याल करता है, लेकिन फिर भी मोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बल्की बॉडी लगती है आपकी, थोड़ी डी शेप होती है। वो इस वजह से होती है कि मैं आज सबको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो इंशाल्लाह ताला कभी कोई डी शेप नहीं हो सकता। अच्छा बताएं कुछ। वो ये है कि आप सबसे पहले सुबह जो है ना, हमारा हमारी एनर्जी बॉडी में होती है दो किस्म की, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होती है वो आपके दिमाग में होती है सबसे ज्यादा। वो कब होती है, क्यों होती है? आप जब सुबह उठते हो फजर के बाद से लेके 9 बजे तक, आप लोग सब गौर से सुने, ये एक हमारे सूरज की किरणों से हमें एक एनर्जी मिलती है जो प्रोड्यूस होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव करती है हमारी बॉडी को। तो वो चीज़ जो है, वो जब तक आप सुबह को अच्छा सा खाना नहीं लेंगे, कोई चीज़ आप नहीं लेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे अच्छा, तो फिर क्या होगा कि आपकी वो वापस आपकी वो टाइम ख़त्म। अब आप दुनिया की चीज़ खा लें 9 बजे के बाद, वो आपकी स्लो होती रहती है। शाम तक जब तक सूरज गुरूब होने का टाइम होता है वो बिल्कुल डिम हो जाती है, और आपका मैदा जो है ना बिल्कुल स्लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर लिवर का काम शुरू होता है, खून बनाने का काम शुरू करता है अल्लाह ताला, क्योंकि वो आंख बंद होती है तो हम दूसरे तरीके से फिर हमारा काम शुरू होता है, बॉडी का एक मैकेनिज्म। तो इस तरह से अगर आप लोग ये चीज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी कभी डी शेप नहीं होगी, आपकी पूरी चीजें जो है ना, फैट आपकी डिपॉजिट नहीं होगी, यूटिलाइज होगा खाना। तो ये मैं बहुत सालों से कह रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह काफी लोग अब अवेयर हो गए हैं कि अब सब इसी पे बात करते हैं कि भाई देखें खाना सही से खाएं, गिजाइयत लें आप लोग। पहले तो यही होता था ना। मैडम किस तरह से बैलेंस जो है खाना डाइट लेनी चाहिए? कोई बैलेंस वैलेंस नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। कोई खाना कोई सब जहर होता है, हम लोग जो खा रहे हैं आजकल सब जहर है। उसको आप कैसे उसको यूटिलाइज करें कि एक आपकी बॉडी के अंदर एक आपको वो गजाइत दे। तो गजाइत क्या है कि जैसे आप गोश्त खा रहे हैं, आप पूरा हफ्ता अगर आप गोश्त खाएंगे और आपने 40 दिन गोश्त ही खाया सिर्फ, तो आप समझ लें कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक बात बता रही हूँ, कैंसर का रिसर्च बेस्ड है। नहीं, 40 दिन गोश्त कौन खाएगा लगातार? 40 दिन आप लोग एक दिन भी देख लेंगे, आप लोग किसी भी चीज में आप चिकन ले रहे होते हैं, अगर वो नहीं लेते तो आप चिकन ले रहे होते हैं कुछ ना। एक मेरे पास फ्राई बाय, वो यही कह रही थी कि डॉक्टर साहब हम तो गोश्त खाते ही नहीं है। मैंने कहा तो आपका ये हाल क्यों है? क्या नहीं, बस सिर्फ चिकन खाते हैं, कुछ नहीं खाते, बताए वो गोश्त नहीं है। तो ये मीट को कहते हैं वो लोग गोश्त। तो ये चीज जो बता रही हूँ कि आपको अगर आपको डी शेप बॉडी करना है तो सुबह का नाश्ता प्लीज जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को अपना आईक्यू लेवल बच्चों का सही रखना है तो भी उन्हें सुबह नाश्ता करा के भेजें, और उसके अलावा जो है ना, बस दोपहर को जब आप काम करके आते हैं तो आप खाना नहीं खाएं, आप वहीं लंच करें, घर पे आए तो आप आराम करें, सो जाएं। ये मेन वजह होती है डी शेप बॉडी की, जब आप जाएंगी थक हार के खाना खाएंगी और सो जाएंगी। स्कूल से बच्चे आते हैं, टीचर्स आती हैं, वो खाना खाती हैं, सो जाती हैं। कितनी मेहनत कर लो, पेट निकलेगा आपका, आपका ये जॉ लाइन खराब होगी, आपकी पूरी बॉडी खराब होगी, क्योंकि ये पोस्चर, पोस्चर भी बहुत डिपेंड करता है आपका कि आप बैठे रहते हैं हर वक्त, और फिर उसके बाद आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज शेयर करें प्लीज। ये जो पोस्चर के लिए आप लोग आजकल पहन लेते हैं ना कि वो बड़ा अच्छा होता है, ये होता है, वो आपकी पूरी बॉडी का, पूरी आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सब रुक जाता है। अच्छा। रुकता है, और वो आपकी इम्यून सिस्टम पूरा आपका डिस्टर्ब होता है। तो ये चीजें क्यों, जब अल्लाह ताला ने मोबिलाइजेशन रखी है, जी जी बिल्कुल, आप अपना चलना फिरना रखें, आप हर तरह से आप चलें, एक्टिव काम करें, ये होती है एक्सरसाइज। ये नहीं होती एक्टिवली एक्सरसाइज, पैसिवली नहीं कि आप जाके मशीनों पे खड़े हो गए, आप एक तरह से चल रहे हैं ना, आपका एंगल तो खराब हो रहा है ना, आपको नीचे उसे उठा के कोई चीज लेना है तो आपके अलग से वो जो बने हुए बैग्स वो सब डिसॉल्व होंगे,
लेकिन अगर आप ये दो तीन एक्सरसाइज कर सब कह रहे हैं ये मैं सब करता हूँ फायदा नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि टाइम पे खाना नहीं हो रहा। नहीं नहीं, रात का खाना आप लोग खाते हैं, सिर्फ रात का खाना, रात का खाने की वजह से सब हो रहा है, और ये बहुत मुश्किल से लोग समझेंगे, बहुत इधर की जरूरत है, इधर की जरूरत है, चले ये हमारी जो है सेहत भी बहुत जरूरी है, और सेहत के जो टॉपिक्स होते हैं तो ये कहते हैं खाने का क्या, ये क्या टाइम की क्या बात करेंगे डॉक्टर साहब, डिसिप्लिन तो जरूरी है। हाँ, ये देखे ना ये कितने स्मार्ट हैं, आप कितनी स्मार्ट हैं, ये कितने स्मार्ट हैं, तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम रात को जागेंगे और खाना खाएंगे मगर हम ठीक हैं, तो ये गलत है, आपको पता नहीं अंदर सबसे ज्यादा स्मार्ट है आप लेकिन आपकी जो आर्टरीज है ना, ब्लॉकेज है ना, ये और ये बादल सिर्फ आपके रात का खाना, चाहे आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं आप, आप रात का खाना और आप रात को जागना, ये दोनों चीजें ये दोनों रात का खाना और रात का जागना। भाई देखिए ना, 7 बजे आप प्रॉपर खाना खा लें, उसके बाद आप लिक्विड्स लें, सही बात, चाय लें, बिस्किट ना लें। डॉक्टर हम आते हैं डिस्कशन पे, और बहुत ये अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारी जो सेहत से जो रिलेट करती है, और जो भी हम ये चीजें जो है ना, हमारी डाइट या लाइफ स्टाइल है, वो बड़ा मैटर करता है। मैं इसलिए इतनी ऑथेंटिकली ये बात करती हूँ कि मैंने आज तक कलर नहीं लगाया अपने बालों में, नेवर एवर। अच्छा, ये डाई नहीं है आपके? नेवर, मेरी कोई डाई नहीं है। अभी आप अपने मुझसे पूछ लें, ब्यूटिशियन से पूछ लें कि मैंने जो थोड़े फोड़े हो गए उस पे मैंने अभी थोड़ा सा ग्रे करवा लिया, और कुछ नहीं, मैं नहीं करती। आज हम सोच रहे हैं कि आपको मॉडल के तौर हम ले लें किसी गाने में। सही बात। चले गाना गाना हम जो है जो सुनते हैं, गाने की मॉडल जो है यहाँ पे अभी। ओहो।